पत्रकारों में भारी आक्रोश, सरकार ने पत्रकारों के साथ किया छलावा। सरकार ने पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोला लेकिन पत्रकारों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की। पत्रकार आंदोलन को मजबूर, विधानसभा का पत्रकारों ने किया घेराव। जमारामगढ़, पत्रकार संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले सहायक जनसंपर्क अधिकारी APRO के पदों में बढ़ोतरी करवाने को लेकर आज शुक्रवार को राजस्थान के समस्त जिलों से पत्रकार जयपुर में जुटे। समस्त राजस्थान के पत्रकारों द्वारा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया, नारेबाजी करते हुए विधानसभा की तरफ कूच किया व विधानसभा का राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हुए पत्रकारों ने घेराव किया, जिसके बाद 5 सदस्यीय शिष्टमंडल को विधानसभा ले जाया गया व उचित वार्ता की गई। मंगलवार को शिष्टमंडल से सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना मुलाकात करेंगे। गहलोत सरकार को पिछली बार पत्रकारों के साथ किए गए वादे को याद दिलाया गया। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर RS चौधरी ने बताया कि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से पिछली बार वादा किया कि प्रत्येक तहसील व उपखंड स्तर पर एक एक सहायक जनसंपर्क अधिकारी लगाए जाएंगे ताकि सरकार की समस्त योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके व जनता को लाभ मिल सके, जनता में सरकार की छवि का निर्माण हो सके। सहायक जनसंपर्क अधिकारी सरकार व जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। सरकार की तरफ से जनसंपर्क का जिम्मा ग्राउंड स्तर पर सहायक जनसंपर्क अधिकारी संभालता है, लेकिन आज राजस्थान में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पदों की में भारी कमी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही कांग्रेस के चिंतन शिविर में सभी विधायकों को फटकार लगाई थी कि सरकार की योजनाओं का कोई भी विधायक प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं और न ही बुकलेट छपवाई, लेकिन जब विधायक के पास कोई प्रशिक्षित जनसंपर्क कर्मी नहीं होगा तो वो सरकार की योजनाओं का कैसे प्रचार प्रसार करेगा। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक सहायक जनसंपर्क अधिकारी का पद स्वीकृत किया जाए ताकि वह सरकार की योजनाओं का अच्छे से प्रचार प्रसार कर सके। सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का आज के 40 साल पहले गठन किया था, लेकिन आज तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने अपना कैलेंडर रिव्यू नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, AN247 न्यूज, राजस्थान।